हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यूनिवर्सिटी वाले सभी बच्चे जो यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि बीकॉम, बीएससी, बीएमए हैं, गुड न्यूज़ है आप सबके लिए। दो 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 गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली गुड न्यूज़ तो है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि मैंने एक दो दिन पहले शायद आपको बताया भी हो कि उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट के आगे यूनिवर्सिटी जो उत्तर प्रदेश की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एक तीन लोगों की समिति बनाई थी जिसमें एग्ज़ाम्स को लेकर कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे वो विचार करें। तो उन्होंने विचार करके एक प्रस्ताव सरकार के पास रखा था जिसमें ये कहा था कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स कराइए जो कि 13 अगस्त से पहले होने चाहिए और उसका रिजल्ट जो है वो 31 अगस्त से पहले इशू हो जाना चाहिए, यानी कि 31 अगस्त तक रिजल्ट आए। और दूसरा था कि फर्स्ट और सेकंड ईयर को प्रमोट कर दिया जाए, सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर में लिए जाए। तो गाइस ये एक्सेप्ट हो चुका है जो कि न्यूज़ बता रही है। मैं न्यूज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी सरकार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये है। ठीक है, तो ये पहली न्यूज़ है आप सबके लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को एग्ज़ाम देने की अब ज़रूरत नहीं होगी यूपी में खासकर। बाकी बात करें अगर अदर स्टेट की, तो अगर आप राजस्थान से हैं तो वहाँ समिति बनी हुई, मैंने पहले भी आपको बताया था। गुजरात में ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने की बात चल रही है। तो कुल मिलाकर जो एक 12th वाले बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल होकर जो एक हवा चल रही है कि हर जगह पर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो रहे हैं, तो आप भी तो उनसे एक दो साल बड़े ही हैं, आपके भी सबके वैक्सीन नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर यह है कि मैटर आप सबके भी एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे। बट अगर आप फाइनल ईयर में हैं, चाहे आप यूजी में हो चाहे आप पीजी में हो, तो आपका एग्ज़ाम होगा, आप अपनी तैयारी रखें। बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, ऑल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ द इंडिया, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम को कैंसिल कर रही है। तो बाकी आप ये लेटेस्ट अपडेट है। बाकी आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, उनकी पोर्टल पर जाकर। ठीक है, यही इन्फॉर्मेशन आप सबको मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू।